अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी है जी दोपहर का टाइम और आज शुक्र है थोड़ी सी गर्मी जो है वो कम हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। और अभी जो है मैं बस सुबह से उठी हूँ, कामों में लगी हुई थी, बस अभी थोड़ी सी फ्री हुई हूँ तो मैंने कहा चलें व्लॉग का स्टार्ट कर लेते हैं। और बस यही मैं काम कर रही थी सारे, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो कार्टन है ये डेली आते रहते हैं, फिर डिस्पैच होते रहते हैं। आज हम ये वाला डिस्पैच करने लगे हैं, ये ऑफ वाइट। ये मैंने आपको शायद नहीं दिखाया था, बहुत ही सॉफ्ट लॉन के साथ है, बड़ा प्यारा इसका ऑफ वाइट कलर है, पिंक दुपट्टा है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी मैं ब्लॉग का स्टार्ट कहाँ से करने लगी, मैंने मंगाए थे दो ब्रश जो कि बड़े सफाई के लिए ना बड़े प्यारे प्यारे ब्रश हैं। ये देखें मैं आपको भी खोल के दिखाती हूँ। ये देखें ये ब्रश है, मुझे बड़े अच्छे लगे ना, मैंने कहा ये सफाई के लिए कितने अच्छे हैं। ये देखो पतले पतले बिल्कुल बारे, और ये इसके ना ये जो है ना ये वाली जगह ये बहुत ही सख्त सी है, तो अच्छी सी मज़े की सफाई हो जाएगी। लेकिन दो वो मैंने मंगवाए हैं, बहुत प्यारे हैं। अब देखो काम कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल है। हाँ तुम्हारी पहनी, तुम तो पहनती नहीं हो, फिर मैंने पहननी है। अच्छा जी मैं अभी जा रही हूँ शाजी के घर, अम्मी भी वहीं आई हुई हैं, इतने दिन हो गए थे मैं गई भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आज शाजी के घर चलते हैं। और मैंने उनके लिए एक जोड़ा भी उठा लिया है, मैंने कहा चलो ये तो सिलवाए ना, बाकी फिर शाजी को जो पसंद आएगा वो ले लेगी, अम्मी को जो पसंद आएगा ले लेगी। फिलहाल मैंने कहा खाली हाथ ना जाऊँ तो एक एक जोड़ा तो लेती जाऊँ ना। आ जाओ सोनिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं आई थी शाजी के घर, अम्मी भी आज यहीं थी, तो बस गर्मी की वजह से निकलना ही नहीं हुआ और बेटी के भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैंने कब ख़त्म होंगे तो मैं आराम से जाऊंगी, मुझे ना एक टेंशन सी लगी रहती है, फिर मैं कहीं भी नहीं जाती अगर मजबूरी ना हो तो। तो अम्मी के लिए मैं जोड़ा लेकर आई थी, कि मैंने ऑफ वाइट कलर का आपको जोड़ा नहीं दिखाया, इतना प्यारा सा कलर है ये और इतनी सॉफ्ट सी लॉन है। तो अम्मी देख रही थी और अम्मी को बड़ा पसंद भी आ रहा था, तो कह रही थी कि तुम रहने दो, तुम क्यों ले आई हो। तो बस अम्मी का एक मसला ये है कि अम्मी जो है वो टेलर के सिले हुए पहनती नहीं हैं और ख़ुद सीती हैं, ख़ुद पहनती हैं और किसी का भी पसंद नहीं आता। अगर किसी से सिलवा के दे दो तो फिर अम्मी 100 कीड़े निकालेंगी कि इसने यहाँ से ये कर दिया तो वो कर दिया, तो बस फिर ये अम्मी का सिलसिला चलता रहता है। तो इसलिए फिर अम्मी को हम कुछ कह नहीं सकते, अब क्या कहें। तो मैं मिक्स से कह रही थी कि अम्मी आप ये पहने, ये आपको बड़ा प्यारा लगेगा, इसको इस तरह बनाना है, सारा सिखा रही थी अम्मी को कि इस तरह बनाना है, इस तरह बनाना है। तो अम्मी क्योंकि सिंपल पहनती हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल पहनती हैं और किसी के सिले भी नहीं पहनती, तो इसलिए फिर ख़ुद भी नहीं सीती, तो ये अम्मी के ना कपड़ों का मसला जो है ना चलता ही रहता है। तो अम्मी को मैं बता रही थी कि ये दो पैच नीचे हैं और बाजू पे पैच तो नहीं है, सिलाई के साथ है, एक आपकी लेस जो है वो बाजू पे आएगी और पहना वो बहुत प्यारा लगेगा आप पहने। इसके साथ ये दुपट्टा है और ये सर पे टिकने वाला दुपट्टा है सिल्क का। तो शाजी अम्मी को बता रही थी कि अम्मी ये इस तरह से टिक जाएगा, आप परेशान ना हो। तो बस इस तरह अम्मी को ज़रा कन्विंस कर रहे थे कि आप नया जोड़ा पहने और बनाएँ। तो बस यही होता है कि माओं की जो है ना दुआएं बड़ी लगती हैं और माओं की के लिए चीज़ लेना, शॉपिंग करना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये है जी नेक्स्ट डे, और मैंने यहाँ पे मंगाई थी
चीज़ें, कुछ चिकन और सब्ज़ी मंगाई थी, तूरियाँ आज मैंने मंगाई थी, लेकिन तूरियाँ इतनी ख़राब आई थी ना, मतलब सब्ज़ी वाले ज़रा भी एहसास नहीं करते कि एक तो इतनी महंगी होती है, ऊपर से फिर गली हुई, अगर चार ठीक होंगे ना उसमें दो गली हुई चीज़ें डाल के दे देंगे। चावल बहुत ज़्यादा बनते हैं तो बस वो आज कुछ मेहमान आ रहे थे इसलिए मैंने कहा चलो मैं राइस बना लूँ। और आज मेरी बेटी की फ्रेंड्स आ रही थी और मेरी बेटी ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया था कि मम्मा आपने कुछ भी नहीं बनाया, मैं सारी कुकिंग कुछ भी नहीं बनाना, मैं सारी कुकिंग हम लोग मिलके करेंगे। फिर मैंने कहा नहीं, बाकी भी घर के लोग हैं भाई, सबने खाना पीना होता है तो मैं कुछ ना कुछ तो बना ही लूँ। तो फिर मिर्चियाँ मोटी मोटी वाली आई थी, मैंने कहा चलो भरी मिर्चियाँ बना लेते हैं वो अचार मसाले के साथ, और साथ में मैं राइस बना लेती हूँ कि राइस ऊपर सभी शौक से खा लेते हैं ना। तो हुआ भी वही कि वो तो कुकिंग बच्चे कर नहीं सके, तो शुक्र है मैंने कुछ ना कुछ तो बना ही लिया। अच्छा, था बना रहे हैं ये अचार ही, बच्चे इनको बेसन के साथ हम फ्राई करेंगे, चावलों में बड़े मज़े की लगती है। नींबू पड़ा है? हाँ जी। ये साला ले आई है शाजी, छोटे हैं ना, हाथी में काले थे बदन, पका पका काले थे, मतलब काले थे। अच्छा ज्यादातर ना हाथों के गोट काले थे। हाँ नींबू नाल सेट थी मैंने। मेरे बाद कच्चा नींबू खा रहे हैं। ओ बेहतर तरीके ओ तो खैर चलो अच्छा है, ओ तो नाच भी खा बंदी। हां लेकिन वो छोटे मीठे हो, ओ ये मैं सर्दियां आ गई है मुश्किल खा ये बड़े कोड़े हैं कोड़े हैं। पर तू सजर मेरे ना हस्बैंड को बहुत पसंद है, मैं कभी नींबू को मर्च पसंद है। केड़ी मर्च है? ओ जड़ी है तो पैरी पैरी ड्राई आ। हां हां तो बहुत पसंद है। और मैंने जी पहले प्याज ब्राउन कर लिया, अदरक लहसुन भी हल्का सा भून लिया, फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए और साथ ही मैंने इसमें चिकन डाल दिया था और इसको भी हल्का सा मैंने भून लिया। और मैं कहती हूँ कि चावल जो है ना इसलिए गर्मी में आसान हो जाता है कि आपको रोटी साथ में बनानी नहीं पड़ती, चावल बनाओ और खा लो साथ में, अच्छा सा रायता बना लो और बस काम हो जाता है। गर्मियों में ज़्यादा चावल खाए जाते हैं इसी गर्मी की वजह से कि भाई सालन भी बनाओ रोटी भी बनाओ। खैर मैंने चिकन अच्छी तरह से भून लिया था, मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी, उसको थोड़ा सा मैंने ढक दिया था। और मैं आज एक बड़ा अहम मैसेज जो है वो अपनी यूट्यूब बहनें जो मेरी हैं, यूट्यूब पे काम करती है मेरी तरह घरेलू काम करती हैं, मैं उन सबको एक मैसेज देना चाहूँगी कि आपको याद होगा कि एक टाइम पहले जैसे 3-4 साल पहले बड़ा अच्छा एक कंपटीशन होता था
बड़ा मज़ा आता था काम करने में, देखने वालों को मज़ा आता था, हम काम करने वालों को बहुत मज़ा आता था। तो लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। पिछले कुछ टाइम से इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है, एक दूसरे की टांग खींचने में इतने लोग लग चुके हैं कि वो कहते हैं ना गेहूं के साथ खून भी पिस जाता है, तो वो हम जैसे जो एक बड़े तरीके से लोग रहते हैं वो भी साथ में पिस जाते हैं, क्योंकि एक माहौल बन जाता है ना, ओवरऑल एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है कि बददिली सी फैल जाती है। तो प्लीज़ आप उस चीज़ों को छोड़ के, एक दूसरे को ज्ञान देने को छोड़ के, अपने आप को अच्छा, दूसरों को बुरा साबित करना और एक दूसरे को ज्ञान देना, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई किसी का ज्ञान नहीं यहाँ पे सुनता। हर कोई कहता है कि मैं बहुत समझदार हूँ, हर कोई अपने आप में एक बड़ी समझदारी और एक जहान रखता है कि भाई मुझे बहुत पता है। हम किसी को, हम अपने बच्चों को समझाते हैं वो चिढ़ने लग जाते हैं कि भाई ना मम्मा क्या है, या भाई मुझे पता है, या ये वो। तो इसलिए कोई आपका ज्ञान नहीं सुनता। आप चुप करके अपना काम करें, अपने घर का रूटीन दिखाएं, एक हेल्दी कंपटीशन बनाएं, ताकि ये जो कम्युनिटी हमारी है, ये जो घरेलू हम व्लॉगर्स हैं जिनकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी थी, अब वो व्यूअरशिप कहीं ख़त्म होती जा रही है। स्पेशली मैं इनको सबको एक बहुत प्यार से एक हेल्दी कंपटीशन के लिए कहना चाहती हूँ, और बड़े फ्रेंडली वे में। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करी, किसी को कुछ नहीं कह रही। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि हमारी ये जो कम्युनिटी है ये बच जाए, वरना वही हा हा हो और फेक कंटेंट जो है ना वही तरक्की करते जा रहे हैं, और हम जो घरेलू व्लॉगर्स हैं उनकी ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है। तो वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। आप सबको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। समझदार है हर कोई यहाँ पे, सबको बहुत ज़्यादा समझ है, मेरे से भी बढ़कर समझदार लोग यहाँ पे हैं, तो सब समझ गए होंगे। बस प्लीज़ मेरा मैसेज अगर समझ आ जाए तो अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करें, ताकि हम लोग भी बच जाएं। तो मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।